नमस्कार दोस्तों डी एर मैथोडिशन आपका स्वागत है आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास टेंथ के चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है इफ एक्स इजकल टू टू बाई थ्री एंड एक्स इजकल टू माइनस थ्री आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी बराबर जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसका तो इस क्वालिफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी बराबर जीरो का जो है रूट दिया गया है क्या तो एक्सल टू टू बाई थ्री एंड एक्सल टू माइनस थ्री तब जो है हमें ए और बी का जो है मान निकालना है और ये ए और बी है क्या तो ए तो जो है तो इस एक्स स्क्वायर का कॉपिशंट है और ये b जो है कॉन्स्टेंट टर्म है तो चलिए इसको निकालते हैं सोल्यूशन गिवेन डेट गिव एक्सल टू टू बाई थ्री एंड एक्स इजल टू माइनस थ्री आर द रूट्स ऑफ द क्वाड रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी बराबर जीरो तो यहां देखिए हम लिखे हैं कि हमें दिया गया है कि एक्स यल टू बाई थ्री एंड एक्स यल टू माइनस थ्री इस क्वाडर इक्वेशन का जो है रूट है तब देखिए देन यहां देखिए यहां पर एक्स यू टू बाई थ्री जो है इस इक्वेशन का रूट है तब जो है ये एक्स यल टू बाई थ्री जो है इस इक्वेशन का जो है सेटिस्फाईड करेगा तो चलिए सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या होगा ए गुणे जहां पर एक्स है तो जहां जहां एक्स है वहां पर क्या करेंगे टू बाई थ्री रख देंगे तो क्या होगा टू बाय थ्री का होल स्क्वायर टू बाय थ्री का होल स्क्वायर प्लस सेवन इंटू टू बाई थ्री प्लस बी बराबर जीरो तो देखिए यहां पर क्या होगा ए गुने फोर बाय नाइन प्लस सेवन टू जब फोरटीन बाई थ्री प्लस बी बराबर जीरो अब देखिए इसके बाद जो है क्या होगा फोर ए बाई नाइन प्लस फोर्टीन बाय थ्री प्लस बी बराबर जीरो अब इसके बाद जो है एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा नाइन नाइन और थ्री एलसीएम क्या होगा नाइन और नाइन से नाइन में होगा भाग देंगे कितना होगा वन वन इंटू फोर क्या होगा फोर ए प्लस अब इसके बाद देखिए नाइन को अगर थ्री से डिवाइड करें कितना आएगा थ्री आएगा और थ्री इंटू फोरटीन कितना होगा फोर्टी टू प्लस नाइन बी बराबर क्या होगा जीरो बराबर क्या होगा जीरो अब देखिए इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब कोना कोनी गुना तो क्या होगा फोर ए प्लस फोर्टी टू प्लस नाइन बी बराबर क्या होगा जीरो क्योंकि नाइन इंटू जीरो क्या होगा जीरो अब देखिए यहां पर ये क्या होगा फोर ए प्लस नाइन बी बराबर माइनस फोर्टी टू इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं अब देखिए अगेन मतलब फिर जो है अगेन देखिए यहां पर जो है एक्स टू माइनस थ्री जो है इस स्क्वायर इक्वेशन ए एक्स एक्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी बराबर जीरो का जो है रूट है तब क्या होगा एक्स इंटू माइनस थ्री पर जो है ये इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा तो जहां जहां इस इक्वेशन में एक्स है उसके जगह पर जो है माइनस रख देंगे तो क्या होगा ए गुने 3 का स्क्वायर प्लस सेवन गुने माइनस थ्री प्लस बी बराबर जीरो तो देखिए क्या होगा यहाँ पर माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री क्या होगा प्लस नाइन इंटू ए माइनस ट्वेंटी वन सेवन इंटू थ्री क्या होगा माइनस ट्वेंटी वन प्लस बी बराबर जीरो अब देखिए यहाँ पर नाइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा ट्वेंटी वन इसको जो है इक्वेशन टू मान लेते हैं अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन वन एन टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो देखिए इक्वेशन वन क्या है फोर ए प्लस नाइन बी बराबर माइनस फोर्टी टू और इक्वेशन टू क्या है तो नाइन ए प्लस बी बराबर ट्वेंटी वन ये क्या है इक्वेशन वन है और ये क्या है इक्वेशन टू है अब यहां देखिए यहां पर जो है यहां देखिए इसको जो हम एलिमिनेशन मेथड से तोड़ते हैं किस मेथड से तो एलिमिनेशन मेथड से तो एलिमिनेशन मेथड तो तो क्या होता है कि किसी एक टर्म को इक्वल करके जो इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इक्वल कर लेते हैं बी को इक्वल कर लेते हैं तब ये टर्म जो है हट जाएगा तो चलिए इसको इक्वल कर लेते हैं इसमें भी जो है नाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा ऊपर में फोर ए प्लस नाइन बी बराबर माइनस फोर्टी टू अब ये क्वेश्चन बदल के क्या होगा थ्री हो जाएगा अब इसके बाद जो है ये क्या होगा नाइन में इक्यासी ए मतलब नाइन नाइन जो है एटी वन प्लस नाइन बी बराबर नाइन और टू इंटू नाइन कितना होगा एटीन होगा अब ये क्वेश्चन चार हो गया अब ये देखिए प्लस हुई जगह माइनस फिर प्लस ये माइनस फिर प्लस जगह माइनस क्योंकि कुछ नहीं मतलब इसका मतलब क्या है प्लस है यहाँ से प्लस नाइन भी माइनस नाइन भी कट गया अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस एट्टी वन है और यहाँ ऊपर में जो है फोर ए है तो घट के कितना होगा माइनस सेवेंटी सेवन ए बराबर यानी देखिए दोनों जो है माइनस में ही है तो ये क्या होगा माइनस व्ला जुड़ जाएगा और चीन जो है वही रहेगा माइनस नाइन टू एलेवन का वन और एटीन प्लस फोर कितना होगा ट्वेंटी टू और प्लस वन ट्वेंटी थ्री मतलब माइनस टू हंड्रेड थर्टी वन यहाँ से माइनस माइनस कट गया अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा सेवनटी सेवन ए बराबर टू हंड्रेड थर्टी वन यहाँ से ए कमान निकालते हैं तो क्या होगा टू हंड्रेड थर्टी वन बाय सेवनटी सेवन इसको जो है काट देते हैं अब या देखिए यहाँ पर जो है टू हंड्रेड थर्टी वन में जो है सेवनटी सेवन से अगर भाग देते हैं तो कितना आता है तो ये जो है थ्री आएगा तो ए मान कितना आ गया थ्री आ गया अब इसके बाद जो है बी मान निकालते हैं तो ए का वैल्यू जो है किसी में रख देते हैं जो आसान होगा इसमें रख देते हैं तो हमको जो है यहाँ पर आसान दिख रहा है वो क्वेश्चन टू दिख रहा है तो वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन टू तो यहाँ देखिये इक्वेशन टू में जो है ए कमान पुट करते हैं तो क्या होगा नाइन इंटू ए कमान कितना है थ्री प्लस बी इजक्ल टू ट्वेंटी वन अब यहां देखिये यहां पर नाइन थ्री कितना होता है ट्वेंटी सेवन प्लस बी इजक्ल टू ट्वेंटी वन अब देखिये बी इजकल टू क्या होगा ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी सेवन क्योंकि इधर प्लस था इधर ज्यादा क्या होगा माइनस में होगा और देखिए बीच वैल्यू क्या होगा माइनस सिक्स तो ए और बी का मान कितना आ गया तो ए का मान थ्री है और बी का मान कितना है माइनस सिक्स तो हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर थ्री एंड, एंड माइनस सिक्स ये जो है आंसर है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल में जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज किए हैं आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद